ना सिर्फ इम्तियाज भाई की मौजूदगी में और कार्यकर्ता की मौजूदगी में आपने आज नामांकन दाखिल किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 107 मध्य विधानसभा मतदार संघ से हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माननीय खासदार इम्तियाज अली साहब की अध्यक्षता में आज हमने जो तो क्या नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, साथ में हमारे शहर अध्यक्ष और हमारे तमाम पदाधिकारी कॉरपोरेटर्स और हमारे कार्यकर्ता साथ में मौजूद थे। और मैं उम्मीद करता हूँ औरंगाबाद की तमाम आवाम से कि आने वाले चुनाव के अंदर वो यकीनन मुझे जो है तो चुनकर यहाँ से भेजेंगे। और हमारे जो इम्तियाज अली साहब ने पिछले 10 सालों से जनता के काम किए वो सारे लोगों के सामने है, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ से हमारी दोनों सीटें इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम जीतते जाएंगे। आपकी लड़त जिनसे थी उसमें से किशन चंद तनवानी, इन्होंने उबाटा से अपना नामांकन वापस लिया है, वो अभी लड़त में नहीं, इसके तरफ आप कैसे देखते? देखिए, हम मैंने इससे पहले भी कहा हूँ कि सारे लोगों की लड़ाई हमसे है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। क्योंकि जब कल किशन चंद तनवानी ने, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक बात है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। लेकिन हम वैसा नहीं सोचते, हम तो ये सोचते हैं कि विकास के ऊपर जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले 10 साल किए, तो हमारे सामने एक विकास का एक मॉडल है, हमने काम किए बेहतरीन। जो हमारे मौलाना है, उलमा है, उनके बोलने के ऊपर जो है तो उन्होंने पीछे हुए थे, लेकिन अभी मौलाना ने बोले थोड़ी कि खड़े हो जाओ बोल के, अभी बैठने के लिए बोले थे कि उन्होंने खड़े हो गए, तो मैं समझता हूँ अभी भी उन्होंने बैठना ही चाहिए। इससे पहले मौलाना ने जैसा बोला था कि मतों का विभाजन नहीं होना, और जो है तो सीट जो है तो यहाँ पर सारे समाजों की जो है तो आज MIM के अंदर पकड़ है हमारे साथ। मैदान में उतरे हैं तो फिर कितने लोग हैं सामने ये देखा नहीं जाता है, तुम्हारे हौसले कितने बुलंद हैं ये देखा जाता है। यकीनन लोकशाही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें हर एक को लड़ने का इख्तियार है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जनता की होती है। इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा होता है कि आप बाहर कितने भी मजबूत हो, अगर आवाम आपके साथ में नहीं है, जनता आपके साथ में नहीं है, तो आपकी कमजोरी वहाँ पर बैलेट इस पे साफ नजर आ जाती है। लड़ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे। मैं आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, शहर के अंदर अगर हमारी अपनी नुमाइंदगी है, तो हमने पिछले 10 सालों से जो भी काम किए हैं वो लोगों के सामने है, हम कोई नई स्लेट लेकर नहीं आ रहे हैं, लोग जानते हैं हमारे काम को, मजलिस की पहचान को अच्छी तरह से जानते हैं, जो अधूरे काम रह गए हैं वो काम को आगे बढ़ाना है, बस यही कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। आपल्या मतदार संघातील काँग्रेस ने उमेदवार बदलला, याकडे कसं बघा? काय भीतीचं वातावरण आहे सगळ्या पक्षामध्ये, रात्री एकाला अनाउन्स करतो, संध्या सकाळी होईपर्यंत नाही का दुसरा कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतो, म्हणजे आज महाराष्ट्राचे जे सगळे राजनैतिक पक्ष जे आहे सगळ्यांमध्ये एक भीती आहे। म्हणून आम्ही जेव्हा 23 तारखेला निकाल येईल, तर आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की MIM पक्ष सगळ्यात कमी सीट्स आम्ही लढत आहे यावेळी। चलो चलो, कौन सा मोबाइल है यार तुम्हारा? भाई जो भी है, घड़ी घड़ी आपके चले लगा रहे चला।